गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल डू सोनोमीटर आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसका एम है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस यूजिंग एन इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोनोमीटर। अब हमने क्या करना है, एसी फ्रीक्वेंसी मेंस को हमने स्टडी करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ अ सोनोमीटर एंड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये हमारा एक सोनोमीटर है जहाँ पे ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, विद स्टैंड हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है और ये हमारे पास हैंगर में एक स्लोटेड वेट्स है। एक वेट 0.5 का है, ये 0.5 केजी, दैट इज इक्वल टू 500 ग्राम्स, और ये हमारा फिर से 0.5 केजी का है, तो ये हो गया हमारे पास 1 केजी। दिस इज अगेन 0.5 विच एडेड इन दिस एंड इट इज 1.5 केजी, अगेन 0.5, तो ये 2 केजी हो जाएगा। ये विद हैंगर 0.5 है वेट। ठीक है, नाउ बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय सोनोमीटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट हम आज करने जा रहे हैं। सोनोमीटर, सोनो स्टैंड्स फॉर साउंड, ठीक है, एंड मीटर की हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मीन्स को हमने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर, जहाँ पे सोनो स्टैंड कर रहा है हमारे पास साउंड के लिए। अब इसके अंदर हमने यूज करी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इसका बेसिक सर्किट डायग्राम है जो हमारे को बुक में दिया हुआ है। दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप ऑफ मैग्नेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, दैट टाइप ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज द डायग्राम ऑफ सोनोमीटर। ये हमारे पास सोनोमीटर है, ये सोनोमीटर की वायर है जो आयरन वायर है, इसके साथ ये हैंगर में स्लोटेड वेट्स लगे हुए हैं हमारे पास। एट द टॉप ऑफ द वायर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को सेट किया है विद अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल्स ज्यादा होती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल्स आर मोर एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कॉइल्स। यहाँ पर दो ब्रिजेस हैं जो हमारे पास यूज हो रहे हैं टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ द लेंथ फॉर रेजोनेंस ऑफ द वायर। ठीक है, फिर अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 1/4L अंडर रूट टी बाय एम। अब यहाँ पे 1/2L होता है, बट हमारे पास जो सोनोमीटर होता है, सोनोमीटर के अंदर जो लेंथ होती है वो ट्वाइस ऑफ होती है। अगर उसकी लेंथ ट्वाइस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 = 4, देयरफॉर इट इज 4L। T इज द टेंशन, L इज द लेंथ, M इज द मास पर यूनिट लेंथ। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर किया था, वहां पे भी मास पर यूनिट लेंथ निकाला था, वैसे यहाँ पे भी करेंगे हम। ठीक है, नाउ सोनोमीटर, सोनोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस इसका प्रिंसिपल है जिसमें हमने वेरीफाई करना है लॉ ऑफ वाइब्रेशन को, स्ट्रेस स्ट्रिंग यूज करनी है और डिटरमाइन करनी है एसी की फ्रीक्वेंसी। जब हम एसी की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा और कैसे होगी वो हमने देखना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। दिस इज आवर अपरेटस। ये हमारे पास अपरेटस है, अपरेटस ये सोनोमीटर है जिसके अंदर दो होल्स हैं हमारे पास। This is a sonometer. Sonometer is a hollow wooden box. This is a hollow wooden box with a one stretched string. तो इसे हम मोनोकोर्ड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। This is a stretched string. और इसके साथ हमने क्या करना है, ये हैंगर जो 0.5 ग्राम्स का है उसका वेट हम यूज करेंगे और ये 0.5 ग्राम हमने, सॉरी 0.5 केजी, 500 ग्राम्स एंड 0.5 केजी वो हमने इसमें हैंग कर दिया है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेस स्प्रिंग, एक वुडन बॉक्स है, सोनोमीटर इज अ वुडन बॉक्स विद अ टू होल्स। यहाँ पे अब दो होल्स हैं, ये होल्स किसके लिए हैं, एक होल ये है इसके अंदर और एक होल ये है। अब ये होल हैं किसके लिए, ये होल इस तरीके से दिए गए हैं कि जब भी हम सोनोमीटर बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे वेव्स, जब इसमें वाइब्रेशन प्रोवाइड होंगी तो वो इनसाइड द बॉक्स भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड हो जाएंगी।
तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस को कम्युनिकेट कर रहा है टू द स्ट्रिंग ऑफ इनसाइड द होलो पोर्शन। तो जो भी एयर इनक्लोज्ड होती है इन अ बॉक्स वो वाइब्रेट होगी, जिसकी वजह से साउंड इंक्रीज होगी। कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास एजेस हैं, ब्रिजेस, जिसे हम अप्रॉक्सीमेट 50 पर ही रखते हैं। स्टार्टिंग में हम इसे 50 पर रखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने इस तरीके से कनेक्ट करना है कि ये भी हम 50 पर एडजस्ट करेंगे, 50 पर एडजस्ट करेंगे, तो ये ना ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे, 1 मिलीमीटर के गैप पे ही रखा जाएगा कि ये बिल्कुल टच भी ना हो वायर के साथ। ये वायर के साथ टच भी नहीं होना चाहिए और वायर से बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। ये बिल्कुल टच भी नहीं हो रहा है और वायर से ज्यादा ऊपर भी नहीं है, और हमने इसे 50 पर रखा है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। अब हमने क्या करना है, हम इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं। अब हमने सर्किट को ऑन किया है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर रीडिंग्स कैसे लेंगे वो देखते हैं। ये हमारे पास एजेस थे, ये ब्रिज एजेस हमने ये 50 के ऊपर रखे हैं। ये हमारे पास मीटर स्केल है जिससे हम रीडिंग्स को मेजर करेंगे। ये मीटर स्केल है जिससे हम रीडिंग्स को मेजर करेंगे। हमने इसको 50 पे रखा है, ब्रिजेस जिसको, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी हमने 50 पर रखा है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लेंथ इंक्रीज करूंगी। फर्स्ट हम रीडिंग ले रहे हैं फॉर लेंथ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे मैं लेंथ इंक्रीज कर रही हूं, तो जो फ्रिक्वेंसी हमने अप्लाइड करी है उससे, जब उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ द वायर से मैच कर जाएगी, या गिवन बॉडी, हमारे पास ये आयरन की वायर गिवन है, इसके साथ जब फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। आपको साउंड आ रही होगी, ये जो आवाज आ रही है किस वजह से आई है, होलो होल्स की वजह से। इन होल्स की वजह से जो एयर इनक्लोज हो रही है इसमें, तो वो क्या कर रही है, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है। यहां पर आके हमारी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड हो रही है, इट मीन्स दिस इज अ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड हो रही है। ये 0.5 kg के लिए हमने रीडिंग नोट कर लिया है। अब हम यहां से रीडिंग नोट कर लेंगे। ये आ रहा है हमारे पास 63.5, ठीक है, इसका मिड। तो ये 63.5 है, और इधर आ रहा है हमारे पास 36 आ रहा है, इधर 36 आ रहा है, तो हम इसको 36 नोट कर लेंगे। 36 - 63.5, जो भी रीडिंग आएगी वो हम नोट कर लेंगे। मैं आपको रीडिंग एक बार बता देती हूँ। दिस इज आवर टेबल, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन टेबल, जहां पे लेंथ ऑफ द आयरन वायर टू बी वेड एल। लेंथ ऑफ द आयरन वायर हमारे पास स्टैंडर्ड है, हमें 160 सेंटीमीटर की लेंथ यूज करी है वायर के लिए। मास जो है उसका, मास है इसका 3.17 ग्राम्स, और हमने मास पर यूनिट लेंथ इन दोनों को डिवाइड करके निकालना है, जो कि आएगा 0.0198 ग्राम पर सेंटीमीटर। नाउ स्ट्रेच लोड 0.5 kg यूज किया है। m इंटू 1000 इंटू 980 करेंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। m 0.5 था, 0.5 इंटू 1000 इंटू 980 करके ये निकाल लेंगे। अब हमने फर्स्ट रीडिंग ली है लेंथ इंक्रीजिंग की, तो रीडिंग क्या आई है, 63.5 - 36। तो यहां पर वो रीडिंग नोट करेंगे, फिर लेंथ डिक्रीजिंग की करेंगे, देन उन दोनों का मीन लेंगे, देन वी कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास एसी फ्रिक्वेंसी मीन्स 50 हर्ट्स के राउंड अबाउट आएगी। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो यहां से हम परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। ये हमारी लेंथ इंक्रीजिंग थी, लेंथ इंक्रीजिंग की नोट कर ली। अब हम करेंगे फॉर लेंथ डिक्रीजिंग। इसको बिल्कुल ऐसे ले जाएंगे, यहां से अब मैं इसको डिक्रीज करना शुरू करूंगी। दोनों फ्रिक्वेंसीज को डिक्रीज करेंगे, ब्रिज एजेस को पास लेके आएंगे, जहां पर हमारे को वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होंगी वहां पर हम स्टॉप कर देंगे।
वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होने का मतलब क्या है कि जब हमारी फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, जब फ्रिक्वेंसी मटेरियल की फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अगेन हमारे पास लेंथ डिक्रीजिंग की रीडिंग आ गई है, अप्रोक्सीमेट टू डायटी आएगी, जो कि रीडिंग हम नोट करेंगे 65.5 आ रही है। अब यहाँ पे 65 आ रही है, तो अब यहाँ पर हमने नोट किया दिस इज 65, ये प्रॉपर 65 पे कट कर रहा है, ठीक है 65, और यहाँ आ रहा है हमारे पास 39, तो 65 माइनस 39 कर देंगे, ये हमारे पास लेंथ डिक्रीजिंग की आ जाएगी। अगेन इसे ले आएंगे स्टैंडर्ड 50 पे विद इन द मिड पॉइंट, उसके बाद हम इसमें एक और वेट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 kg, ठीक है 0.5 + 0.5 1 kg, ये 1 kg का वेट ऐड किया है हमने। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, अब लेंथ इंक्रीजिंग और लेंथ डिक्रीजिंग की रीडिंग लेंगे। अब हम लेंथ इंक्रीज करेंगे, अगेन 1 पे रखा हुआ है, लेंथ इंक्रीज करेंगे जहां पे वाइब्रेशन शो करेंगी वहां पर रीडिंग नोट करेंगे, ये वाइब्रेशन शो हो रहा है। अब हमें वाइब्रेशंस यहाँ पर शो हो रही हैं, अब हम यहाँ की रीडिंग नोट कर लेंगे दिस माइनस दिस करके। अब 1 kg के रेट पे ही डिक्रीजिंग पे रीडिंग ले लेंगे, यहाँ से हम इसे डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे जहाँ वाइब्रेशन शो होंगी वहाँ पर हम रीडिंग नोट कर लेंगे, वो रीडिंग हो जाएगी लेंथ डिक्रीजिंग। तो लेंथ इंक्रीजिंग लेंथ डिक्रीजिंग रीडिंग्स नोट करके हमने टेबल में पुट करनी है एंड वी गेट द, ये हमारा टेबल है ठीक है, यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी एसी मीन्स की, उसको स्टैंडर्ड के साथ कैलकुलेट करके परसेंटेज एरर निकाल देंगे। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट सोनोमीटर, थैंक यू।